लाभार्थी किसान होने के बावजूद भी नहीं मिलेगा आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लाभार्थी किसान हैं, अगर ये शर्त पूरा नहीं होता है तो आपको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा अनुरोध जरूर करूंगा, यारो आप हमारे जिस भी वीडियो को देखते हो उसे कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और उस लाइक से हमें काफी अच्छा भी लगता है। चैनल पे अगर आप नए हैं, हो सके तो यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस बेल आइकन नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना, क्योंकि हम अपने वीडियोस पे रोजाना ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं, हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें गरीब तबक किसानों को 6,000 रुपये प्रति साल देने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। 3 किस्तों में किसानों को पैसा दिए जाएंगे, 2,000 की किस्त, और 2,000 की पहली किस्त जो है 1.01 करोड़ किसानों को भेज दी गई है 24 फरवरी के डेट में। और भी बहुत सारे किसानों को इसका पैसा मिलने वाला है, बहुत सारे किसानों को इसका पैसा नहीं मिल सकता, उसमें परेशानी आ सकती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो है किसानों को पैसा भेजा गया उसके ऊपर बात करते हैं। पीएम किसान में पहली किस्त रिलीज, 0.01 करोड़ किसानों को मिली पहली किस्त के 2,000 रुपये। यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा डिटेल दिखाया गया है, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है 2,000 रुपये किसानों के खाते में क्रेडिट हुए हैं। और इसके जो लॉन्च किया गया था, इसका लॉन्च उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 बजे के करीब एक बटन दबाकर 1.1 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेज दिए। इसका जो लिंक है, पोस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आकर आप इस पूरे न्यूज़ को पढ़ पाएंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ट्वीट भी आया है, प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ये यूपी का है ऑफिशियल, यहाँ पे आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर, लॉन्च पीएम किसान योजना, देश के 1.1 करोड़ किसानों के बैंक खातों में योजना का पहली किस्त ट्रांसफ़र। तो इसके बारे में आप अपडेट ले लीजिए, ऑफिशियल ट्वीट है और पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पर बताया गया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम होने के बावजूद भी किस प्रकार के किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में जानने के लिए इससे पहले इस पूरे बातों के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे सरकारीयोजना.com पे एक पोस्ट लिखी गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब 12 करोड़ किसानों को मिलेगी पहली किस्त। सरकार का बड़ा फैसला, 12 करोड़ किसानों को मिलेगी पहली किस्त, ध्यान से दीजिएगा। और 1 करोड़ किसानों को पिछले कुछ दिनों में दिया गया था, और इस योजना के तहत 18 करोड़ किसानों को लगभग लगभग लाभान्वित करने का उद्देश्य है। 6 करोड़ किसान का अभी भी डेटा सरकार के पास नहीं आया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पीएम किसान पेमेंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पीएम किसान योजना की शुरुआत गरीब किसानों के खाते में किस्त को भेजकर की, पहली किस्त को भेजकर की। इस योजना के तहत किसानों को प्रति साल 6,000 रुपए सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह रकम किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 3 किस्त में आएंगे। यहाँ पे पढ़िए, 0.01 करोड़ किसानों को भेजे गए हैं पैसे। इस योजना के तहत 1.01 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त 2,000 भेजी गई, बाकी बचे किसानों के खाते में 31 मार्च 2018 तक, ध्यान दीजिए, 31 मार्च 2019 तक पीएम किसान की पहली किस्त भेज दी जाएगी। यहाँ पे लास्ट जो जो किसान बच गया है 12 करोड़ किसान, और जिसका डाटा सरकार के पास मौजूद है, उनको 31 मार्च 2019 तक इसका पैसा भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप पढ़िए, सभी किसानों को फरवरी में क्यों नहीं मिली पीएम किसान योजना की किस्त, ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को लेकर अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी किसानों की सूची राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। बहुत सारे राज्य सरकार ने किसानों की सूची केंद्र सरकार को नहीं दी, जिस कारण से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पहला किस्त फरवरी के माह में नहीं दिया जा सका। यानी कि दोस्तों, जहां जहां मोदी की सरकार बनी हुई है
वहां के राज्य सरकार ने लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को दे दी और केंद्र सरकार के पास डाटा होने के बाद केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की पहली किस्त उन लाभार्थी किसानों को दे दी। मान लेते हैं आप लाभार्थी किसान हो, आप ऐसे राज्यों में हो जहाँ पे मोदी की सरकार नहीं है, और अगर सरकार होते हुए भी राज्य सरकार आपके डेटा को केंद्र सरकार के पास नहीं देती है तो उस केस में आपका पेमेंट आने में डिले होगा या आपको इसका पैसा नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे और भी बातें हैं जो जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। 31 मार्च 2019 तक मिलेगी किसानों को पैसे। तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया है, राज्य सरकार के द्वारा बताया गया है कि वह 31 मार्च से पहले सभी किसानों की सूची केंद्र सरकार को दे देगी। केंद्र सरकार के पास यह सूची मिलते ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे। पहले किसानों की सूची देने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2019 की बताई गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों पीएम किसान योजना की ये जो वेबसाइट है pmkisan.nic.in, इसमें जो एलजी डायरेक्टरी है इसके तहत किसानों की लिस्ट अपलोड होने की अंतिम तिथि थी 25 फरवरी की, लेकिन बहुत सारे राज्य सरकार ने किसानों की सूची नहीं दी और उनको किसानों को जो है अभी तक फायदा नहीं मिल पाया। इसी वजह से अगर आप गेट डाटा पे आते हैं तो यहाँ पे अभी आपको सारा डिटेल तो दिखाएगा लेकिन किसान का नाम नहीं दिखाएगा। जब तक यहाँ पे पूरी तरह से राज्य सरकार केंद्र सरकार को डाटा नहीं दे देगी तब तक इन किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा। और भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं जो कि जान लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ पे आप पढ़िए, कुछ राज्य केंद्र सरकार को किसानों को डेटा देने से इनकार कर रही है। यानी दोस्तों कुछ राज्य केंद्र सरकार को किसानों का डाटा देने से इनकार कर रही है, इस कारण से इन किसानों के खाते में पैसे भेजने में केंद्र सरकार को दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे एक राज्य का नाम सामने निकल के आ रहा है, पश्चिम बंगाल योजना के लिए किसानों का डाटा देने से इनकार कर रही है। और भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है जो कि आप लोगों के लिए जान लेना जरूरी है। किसानों को मिल सकता है 4,000 रुपये डायरेक्ट, किस प्रकार से मिलेगा उसके बारे में आप आकर यहाँ पे अपडेट ले ले, काफी अच्छी बातें यहाँ पे बताई गई है पूरे जेन्युइनिटी के साथ पूरे डिटेल में। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आकर आप इस योजना के बारे में पूरी बातें जान ले। और दोस्तों अभी अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको वेट करना है। या तो आपका राज्य सरकार ने आपके डिटेल को केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा है या भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही आपका डेटा केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगी वैसे ही आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। 24 फरवरी को इसकी शुरुआत कर दी गई है, 24 फरवरी से किसानों के खाते में पहली किस्त आने की शुरुआत हो चुकी है और 1.1 करोड़ किसानों को इसका पैसा भेज दिया गया है। यानी लगभग 2,000 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यही सब है अभी चल रहा है आयुष्मान सॉरी पीएम किसान योजना में। और भी अपडेट आते ही मैं आपको पूरी तरह से अपडेट करूंगा, मेरे चैनल पे हर प्रकार के अपडेट आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कोई पैसा तो लगेगा नहीं और इंटरनेट भी जियो का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ता में आप लोग को मिल जाता है। तो बस सब्सक्राइब करके रखिए, सारे अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।